गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनाली, आप देख रहे हो द ग्लोरी मेकअप स्टूडियो। आज मैं फिर से लेके आई हूँ हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो। आज हमारा डे 4 है। आपने डे 1, डे 2, डे 3 का पार्ट देख लिया होगा। ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट करते हैं हेयर की, जो भी आपकी इलास्टिसिटी है उसे भी बहुत अच्छा इम्प्रूव करती है और आपके हेयर को लॉन्ग लास्टिंग देते हैं, ब्लैक और शाइनी बनाता है। डे 4 में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली फ्लैक्सीड को लेना है जैसे हमने डे 1 में करा था। डे 4 में भी आपको सेम करना है, फ्लैक्सीड को लेना है। फ्लैक्सीड को आप थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके आपको उबालते रहना है 5 से 7 मिनट तक। आप देखोगे जब गोंद के फॉर्म में आ जाएगा, तार फॉर्म में आ जाएगा, तब आपको उसे गरम गरम स्टील की छन्नी लेके छान लेना है। एंड इसे थोड़े से गुनगुना जब ठंडा हो जाए बहुत अच्छे से, मतलब आप एक फिंगर को डिप करके रख पाओ इतना सा जब ठंडा हो जाए, तब आपको ऑल ओवर स्कैल्प पे, ऑल ओवर हेयर पे लगा के आपको इसे सिंपली छोड़ देना है। आपको रखना है इसे 2 से 3 घंटे के लिए। अब अगर ज़्यादा भी रखोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्लैक्स सीड में बहुत ज़्यादा ओमेगा फैटी 3 एसिड होता है जो कि हमारे हेयर को बूस्ट अप करते, हमारे हेयर की जो इलास्टिसिटी होती है उसे भी काफ़ी हद तक मजबूत बनाता है। आपको सिंपली 3 से 4 घंटे के लिए रखने के बाद आपको करना क्या है, नॉर्मली कोई भी हर्बल शैम्पू से, याद रखना कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। हर्बल शैम्पू से आपको ऑल ओवर स्कैल्प और लेंथ को बहुत अच्छे से वॉश करना है और सिंपली आपको कोई कंडीशनर, कोई मास्क यूज़ नहीं करना, क्योंकि फ्लैक्सीड ऑलरेडी आपके बहुत सारा कंडीशनर के साथ होता ही है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं अप्लाई करना है। सिंपली आपको शैम्पू करना है एंड बालों को नॉर्मली टैप वाटर से वॉश करने के बाद आपको इसे छोड़ देना है। डे 4 में हमारा इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब इसे लगातार 7 डे का वीडियो प्रॉपर देखोगे, प्रॉपर फॉलो करोगे, आप देखोगे 7 डे चैलेंज लेके आपके हेयर एक अलग ही लेवल तक ग्रो हो गया। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।